स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज फिर मैं क्लास नाइन्थ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रा के क्वेश्चंस को लेके प्रेजेंट हूँ, और इसमें भी मैंने काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है जो कि आपको बनाने में काफ़ी मज़ा आएगा और आप लोग इंजॉय भी करेंगे। चलिए सेशन को लास्ट तक देखिए आप लोग, और कोशिश कीजिए कुछ सीखने के लिए। हमेशा कुछ ना कुछ से आपको ज़रूर सीखने को ही मिलेगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके नॉर्मली अलजेब्रा के नॉलेज के लिए भी ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ़ 11√n इक्वल टू √112 + √343 देन द वैल्यू ऑफ n + n^-1 = 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये कंडीशन है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 11√n इक्वल टू, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो 16 × 7 लिख सकते हैं। 112 को हम लोग 16 × 7 लिख सकते हैं, प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 49 × 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 343 जो है वो क्या है, क्यूब है 7 का। अब यहाँ से 11√n इक्वल टू 4√7, ठीक है, और प्लस 7√7, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर यहाँ से 11√n इक्वल टू 7/4 11√7, यानी अगर दोनों साइड अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, n इक्वल टू 7, रूट के अंदर n है, रूट के अंदर 7 है, तो n का वैल्यू क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। अब यहाँ से निकालना क्या है हमें, तो n + n^-1 मतलब 7 + 7^-1 मतलब 7 + 1/7 क्या हो जाएगा, 50/7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एन का वैल्यू हमने निकाला, दोनों साइड कंपेयर कर दिया, 11 11 कंपेयर हो गया, रूट रूट कंपेयर हो गया, और एन के साथ कंपेयर हुआ तो एन का वैल्यू क्या आया, 7 आया, एन इक्वल टू हो जाएगा 7। और पूछा था यहाँ पे n + n^2 यानी 7 + 7^2, कैलकुलेट करने के बाद हमारा वैल्यू कितना आया, 50 आया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कंडीशन है, इफ 1/a + b इक्वल टू 1/a + 1/b देन aq - bq इक्वल टू 1, ये कंडीशन है। अब अगर यहाँ पे ध्यान से आप देखिए तो यहाँ से आपको देखने में क्या मिल रहा है, तो 1/a + b इक्वल टू LCM हो जाएगा AB, और यहाँ पे हो जाएगा b + a क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या मिलेगा, तो AB इक्वल टू, देखिए a + b यहाँ पे और यहाँ भी b + a, तो b + a का मतलब क्या हुआ, a + b हुआ, तो जब b + a का मतलब a + b, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हुआ तो ab × 1 ab हो गया, और b + a × a + b क्या हो जाएगा, a + b द होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से ab = a² + 2ab + b², तो यहाँ से हमें क्या मिला, तो a² + 2ab से ab जाएगा तो सिर्फ ab बचेगा, और + b² = क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब जब यहाँ से 0 मिला तो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ से aq - bq = क्या होता है, तो a - b × a² + ab + b², ये होता है फॉर्मूला। फिर यहाँ से क्या मिलेगा, तो a - b और a² + ab + b² का वैल्यू क्या आया है, 0 आया है, तो यहाँ पे रख दीजिए 0 से गुणा, क्या हो जाएगा, a - b × 0 इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, x + 1/x = 1 देन 2/x²-x + 2 = 1। तो यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा x² + 1/x = 1, यानी x² + 1 = x मिलेगा, x² + 1 = x। फिर x² + 1 - x = 0 यहाँ से मिल जाएगा आसानी से। निकालना क्या है, अब 2 बाई
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का वैल्यू, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस वन, दो को तो ऐसा लिख ही सकते हैं हम लोग। तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा, इसके बाद सीधे यहाँ पे आना है, तो टू बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का वैल्यू क्या है, जीरो है, यानी जीरो प्लस वन यानी टू बाई वन इक्वल टू आंसर टू हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे और मैंने आपको होमवर्क के लिए ये तीन क्वेश्चन दिए हैं, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करके और सबमिट करना है शाम के टाइम में, आपका जो होमवर्क सबमिशन टाइम है उसमें। और उम्मीद है आप सेशन आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। अगर ये क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो मैं कल का जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में इन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में सॉल्यूशन के तौर पे कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप लोग ट्राई इसको जरूर कीजिए, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अगर माइंड लगाते हैं तो ये बनने का मतलब 100% चांस है, और अगर नहीं बनता है तो उसके लिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।